Hello friends, welcome to my channel Tech Help. Friends, आज इस ट्यूटोरियल में हम लोग एक मिनी पावरफुल डोरबेल सर्किट बनाना सीखेंगे। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं और इस सर्किट को बनाना सीख लेते हैं। लेकिन दोस्तों शुरू करने से पहले मेरा एक रिक्वेस्ट आप सब लोगों से, अगर दोस्तों आप लोगों ने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। और दोस्तों अगर आपने ऑलरेडी सब्सक्राइब कर लिया है तो सब्सक्राइब बटन के पास जो बेल आइकॉन है उस आइकॉन को क्लिक कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों अगर उस आइकॉन को आप लोग क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट टाइम जब भी कोई नया वीडियो मैं अपलोड करूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत ही मिल जाएगा और उस वीडियो को आप लोग तुरंत ही देख पाएंगे। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों आज हम इस सर्किट को बनाना सीखेंगे। दोस्तों ये एक मिनी पावरफुल डोरबेल सर्किट है। दोस्तों देखिए ये सर्किट देखने में कितना छोटा है लेकिन दोस्तों इसका साउंड बहुत ही लाउड है। उसके बाद फ्रेंड्स देखिए ये दो तार है इस सर्किट का, पावर सप्लाई का दो तार। दोस्तों ये सर्किट 3 वोल्ट पावर सप्लाई से काम करेगा। और फ्रेंड्स देखिए इस सर्किट के साथ मैंने एक छोटा स्पीकर कनेक्ट किया है। लेकिन दोस्तों अगर आप और ज्यादा साउंड चाहते हैं तो दोस्तों आप इस सर्किट के साथ एक 2 वाट या एक 3 वाट स्पीकर कनेक्ट कर सकते हैं, इससे दोस्तों इसका साउंड और ज्यादा बढ़ जाएगा। तो दोस्तों चलिए अब हम इस डोरबेल सर्किट को बनाना सीख लेते हैं। दोस्तों इसे बनाने के लिए सबसे पहले हमें लेना पड़ेगा ऐसा एक छोटा सा ब्लैंक पीसीबी बोर्ड का टुकड़ा। उसके बाद फ्रेंड्स देखिए अब हमें लेना पड़ेगा एक UM66 आईसी। दोस्तों देखिए ये आईसी देखने में बिल्कुल ट्रांजिस्टर जैसा है लेकिन दोस्तों ये कोई ट्रांजिस्टर नहीं है, दोस्तों ये एक आईसी है। उसके बाद फ्रेंड्स देखिए ये है इस आईसी का ग्राउंड पॉइंट मतलब नेगेटिव पॉइंट, ये है इस आईसी का पॉजिटिव पॉइंट और ये है इसका आउटपुट पॉइंट। उसके बाद फ्रेंड्स देखिए अब हमें इस आईसी को सर्किट में ऐसे लगा लेना है। दोस्तों देखिए आईसी का जो कटा हुआ भाग है ये है इस साइड में और जो राउंड पोर्शन है ये है इस साइड में। उसके बाद फ्रेंड्स देखिए अब हमें आईसी को सोल्डर कर लेना है। सोल्डर करने के बाद फ्रेंड्स देखिए अब हमें लेना पड़ेगा एक 220 ओम रजिस्टर। उसके बाद दोस्तों देखिए अब हमें इस रजिस्टर को सर्किट में ऐसे लगा लेना है। लगाने के बाद फ्रेंड्स देखिए अब हमें इस 220 ओम रजिस्टर का एक पॉइंट सोल्डर करना है इस आईसी के आउटपुट पॉइंट के साथ। उसके बाद 220 ओम रजिस्टर का दूसरा पॉइंट हम लोग सर्किट के साथ सोल्डर कर देंगे। सोल्डर करने के बाद फ्रेंड्स देखिए अब हमें लेना पड़ेगा एक BC547 ट्रांजिस्टर। दोस्तों देखिए ये है इसका एमिटर पॉइंट, ये है इसका बेस पॉइंट और ये है इसका कलेक्टर पॉइंट। उसके बाद फ्रेंड्स देखिए अब हमें इस ट्रांजिस्टर को सर्किट में ऐसे लगा लेना है। दोस्तों देखिए ट्रांजिस्टर का जो कटा हुआ भाग है ये है इस साइड में और जो राउंड पोर्शन है ये है इस साइड में। उसके बाद फ्रेंड्स देखिए अब हमें इस ट्रांजिस्टर का जो बेस पॉइंट है उस पॉइंट को हमें सोल्डर करना है। दोस्तों देखिए यहां पर 220 ओम रजिस्टर का एक पॉइंट जो हमने बोर्ड के साथ सोल्डर किया है उस पॉइंट के साथ, उसके बाद ट्रांजिस्टर का एमिटर पॉइंट और कलेक्टर पॉइंट हम लोग सर्किट के साथ सोल्डर कर देंगे। सोल्डर करने के बाद फ्रेंड्स देखिए अब हमें लेना पड़ेगा एक तार का टुकड़ा। उसके बाद दोस्तों अब हमें इस तार को आईसी के नेगेटिव पॉइंट के साथ सोल्डर करना है। उसके बाद उसी तार को हमें सोल्डर करना है ट्रांजिस्टर के एमिटर पॉइंट के साथ। उसके बाद फ्रेंड्स देखिए अब हमें लेना पड़ेगा दो पीस तार का टुकड़ा। उसके बाद दोस्तों अब हमें एक तार सोल्डर करना है। दोस्तों देखिए यहां पर आईसी का नेगेटिव पॉइंट और ट्रांजिस्टर का एमिटर पॉइंट जो हमने एक साथ सोल्डर किया है उस पॉइंट के साथ, उसके बाद उसी तार को हम लोग बोर्ड के साथ ऐसे सोल्डर कर देंगे। सोल्डर करने के बाद फ्रेंड्स अब हमें लेना पड़ेगा दूसरा तार का टुकड़ा। उसके बाद दोस्तों अब हमें इस तार को आईसी के पॉजिटिव पॉइंट के साथ सोल्डर करना है। उसके बाद इसी तार को हमें सर्किट के साथ ऐसे सोल्डर कर लेना है। सोल्डर करने के बाद फ्रेंड्स देखिए अब हमें लेना पड़ेगा एक स्पीकर। दोस्तों देखिए मैंने यहां पर एक छोटा स्पीकर लिया है लेकिन दोस्तों अगर आप और ज्यादा साउंड चाहते हैं
तो दोस्तों आप इस सर्किट के साथ एक 2 वाट या एक 3 वाट स्पीकर भी कनेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स देखिए, अब हमें स्पीकर का एक तार सोल्डर करना है ट्रांजिस्टर के कलेक्टर पॉइंट के साथ। उसके बाद स्पीकर का दूसरा तार हमें सोल्डर करना है। दोस्तों देखिए, यहां पर आईसी के पॉजिटिव पॉइंट के साथ जो तार हमने सोल्डर किया है उस तार के साथ। उसके बाद फ्रेंड्स देखिए, अब हमें लेना पड़ेगा 2 पीस तार का टुकड़ा। उसके बाद दोस्तों अब हमें एक तार सोल्डर करना है। दोस्तों देखिए, यहां पर आईसी का नेगेटिव पॉइंट और ट्रांजिस्टर का एमिटर पॉइंट जो हमने एक साथ सोल्डर किया है उस पॉइंट के साथ। उसके बाद दूसरा तार हमें सोल्डर करना है। दोस्तों देखिए, यहां पर आईसी का पॉजिटिव पॉइंट और स्पीकर का एक तार जो हमने एक साथ सोल्डर किया है उस पॉइंट के साथ। तो दोस्तों ये दो तार हो गया इस सर्किट का पावर सप्लाई का दो तार। ये है नेगेटिव तार और ये है पॉजिटिव तार। तो दोस्तों ये सर्किट कंप्लीट हो चुका है। तो फ्रेंड्स चलिए अब हम इस सर्किट का सर्किट डायग्राम एक बार देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, ये है इस सर्किट का सर्किट डायग्राम। इसे आप लोग ध्यान से देख लीजिए। तो दोस्तों चलिए अब हम इस सर्किट को चेक करके देखते हैं। तो दोस्तों चलिए अब हम इस सर्किट को चेक करके देखते हैं। दोस्तों देखिए, इस सर्किट के साथ मैंने यहां पर 2 डबल ए बैटरी कनेक्ट किया है। और फ्रेंड्स देखिए, इसके साथ मैंने यहां पर एक कॉलिंग बेल स्विच लगाया है। तो फ्रेंड्स चलिए अब हम इस सर्किट को चेक करके देखते हैं। दोस्तों देखिए, अब मैंने इस सर्किट के साथ एक 3 वाट स्पीकर कनेक्ट किया है। तो दोस्तों चलिए फिर से हम लोग इस सर्किट को एक बार चेक करके देखते हैं। देखिए दोस्तों, इसका साउंड कितना बढ़ गया है। तो दोस्तों इस तरीके से आप लोग बहुत ही आसानी से अपने घर में एक मिनी पावरफुल डोरबेल सर्किट बना सकते हैं। तो दोस्तों आज का ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा? मुझे उम्मीद है ये वीडियो आप लोगों को जरूर ही पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो को लाइक कॉमेंट शेयर करना मत भूलिए। तो दोस्तों आज इतना ही, आप लोगों से फिर बात होगी अगले ट्यूटोरियल में। तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।